पहली बार मुझे इस चिड़ियाघर में शेर देखने को मिला है। एकदम बढ़िया भाई रे, टिकट तो मैंने महंगी कटी लेकिन मजा इतना आ गया कुछ जमत है। ऐसा क्या देख लिया? ऐसा भाई हाथी तो देखे को नहीं लेकिन शेर भी ना। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। मैं हूँ योगराज और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव योगराज। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली का चिड़ियाघर, जिसको आप लोग जानते हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क के नाम से। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए अपने फोन में गूगल क्रोम ओपन कीजिए। अब टाइप कीजिए nzpnewdelhi.gov.in, टाइप कीजिए नेशनल जूलॉजिकल पार्क पर, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, बुक टिकट पे क्लिक कीजिए और अपनी टिकट यहाँ से बुक कर लीजिए। तो अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करने के बाद अब चल रहे हैं एंट्री गेट की तरफ। और एंट्री करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्लॉक रूम। गाइज, ये है चिड़ियाघर का अमानतिक सामान घर, यानी कि क्लॉक रूम। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है भारी है जिसको आप रखवाना चाहते हो तो वो यहाँ रख सकते हो, जिसका चार्जेस है गाइज ओनली 5 रुपीज़ पर पर्सन, यानी एक बैग का जो है वो 5 रुपये लगता है। गाइज, इस बोर्ड को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर होंगे। तो गाइज, आप इस गाड़ी में बैठ के भी घूम सकते हो चिड़ियाघर। एंड इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है 70 रुपीज़ पर पर्सन। चिड़ियाघर के अंदर एंट्री करने के बाद आपको इस काउंटर से टिकट मिल जाएगा। बच्चों का है 40 रुपये और बड़ों का है 70 रुपये पर पर्सन। से नो टू प्लास्टिक। सो वेलकम टू चिड़ियाघर गाइज। अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पे 2 रास्ते हैं, फर्स्ट ये एंड ये, बट हम लोग अभी यहाँ से चलेंगे और यहाँ से करेंगे हम लोग एग्जिट। सो यहाँ से जब हम लोग अंदर एंट्री करेंगे तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन कौन से जानवर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले इसमें जब हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेंगे जल पक्षी। सो गाइस, सबसे पहले एंट्री करने के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं जल पक्षी, जो कि सामने बैठे हुए हैं, ये रहे। इधर वाली साइड में हम लोगों को मिलेगा शेर पूछ बंदर, बोनट बंदर, पाड़ा हिरण, सिक्का हिरण एंड सांबर हिरण। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे है गाइस शेर पूछ बंदर, बट हम लोगों को वह देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी नहीं मिला था मुझे देखने के लिए, और अभी भी वही हाल है, लगता है वो अंदर भाग गया कहीं पे। सो गाइस देखो, हैमड्रेस बैबून कहाँ बैठा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में, वो रहा खिड़की पे, ये देखो, ये यहीं बैठा रहता है जब देखो तब। पहली बार मिला है इस चिड़ियाघर में, वो रहा सामने की तरफ। यहाँ पे है गाइस 2 मोर जो कि नाच रहे हैं, एक सामने ये रहा, ये है उल्टा खड़ा हुआ है, और एक इधर वाली साइड में वो रहा, वो सीधा खड़ा हुआ है। यहाँ पर है गाइस पाड़ा हिरण जो कि लास्ट में है वहाँ पे, वो रहे। इन लोगों की भीड़ देख के लग रहा है यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे भी हिरन है, देखते हैं कौन सा हिरन है। बच्चों कौन सा हिरन है ये? हिरन का नाम क्या है? नहीं पता। कौन सा हिरन देखा आपने अभी? अच्छा, इस बोर्ड में नाम भी नहीं लगा रखा है इस हिरन का। ये बारहसिंगा है। हाँ, ये बारहसिंगा। बारहसिंगा देखने के बाद अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है देखने के लिए। सो गाइस, ये है गौर। गौर देखने के बाद गाइज अब चल रहे हैं हम लोग आगे, और देखते हैं चल के आगे कौन कौन से जानवर मिलते हैं हम लोगों को देखने के लिए। सो गाइज, यहाँ पे है सांभर, वो वहाँ खड़े हुए हैं एंड सामने की तरफ खड़े हुए हैं, वो रहे, देखो ये रहे, और उधर वाले लास्ट में बिल्कुल वहाँ खड़े हुए हैं। सांभर हिरण देखने के बाद अब चल रहे हैं आगे, आगे देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे पीने का पानी लगा हुआ है, सो अगर आपको प्यास लगी है तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर है। यहाँ पे एक शॉप भी थी ये, जो कि अभी फिलहाल बंद है। अब ये पता नहीं है गाइस कि ये परमानेंट बंद हो गई है या फिर आज बंद है। यहाँ पे बहुत सारे हिरन देखने के लिए मिलेंगे आपको। ये है गाइस कृष्ण मृग, और ये लगभग लगते हैं बारहसिंगा की तरह, कितने सारे हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस। सो गाइस, यहाँ पे कृष्ण मृग देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं आगे, और देखते हैं आगे कौन कौन से जानवर हमें मिलते हैं देखने के लिए। ये देखो मोर यहाँ भी मिल गया हम लोगों को, ये डांस कर रहा है, ये रहा। सो गाइस, यहाँ है जंगली बिल्लियाँ, वो बैठी है। यहाँ मिलेगा गाइज आपको देखने के लिए गीदड़। सो गाइज, ये है ब्रशरंगी हिरन, देखो पानी में बैठे हुए हैं, और इनका लुक भी देख सकते हो, सींग भी इनके छोटे छोटे हैं और हाइट इनकी थोड़ी सी बड़ी होती है। ये थोड़े बहुत उसकी तरह लगते हैं गाइज, जैसे बकरी होती है ना आपकी, बकरी की तरह, बड़ी सी बकरी या बकरा। सो आइए अब दिखाते हैं आपको चीतल हिरण। सो देखिए गाइज, सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ये है चीतल हिरण, ये देखिए इनकी बॉडी पे ये व्हाइट कलर के डॉट डॉट बने होते हैं बड़े बड़े। चीतल हिरण देखने के बाद अब चल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ, और देखते हैं चल के आगे क्या मिलता है हम लोगों को देखने के लिए। सो ये दोनों की दोनों गाड़ी खाली जा रही हैं। गर्मी बहुत है गाइज यार, आज तो यहाँ गर्मी में हालत ही खराब हो रही है फिलहाल में। इसी बात पे आ जाइए, अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को गैंडा।
सो जस्ट हमारे सामने खड़ा हुआ है गेंडा। सो ये रहा गेंडा गाइस। गाइस वैसे चिड़ियाघर का जो टाइम है दिल्ली जू का वो है सुबह 8:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, बट 6 बजे तक एंट्री नहीं होती है, एंट्री होती है ओनली 4:30 बजे तक, और उसके बाद भी आधे घंटे बाद ये जानवर जो हैं जितने भी जानवर होते हैं यहाँ पे सभी को ये 5 बजे तक अंदर बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 6 बजे तक भी घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 6 बजे तक हम तो घूम लेंगे बट हमें जानवर तो मिलेंगे ही नहीं देखने के लिए। यह नीला पीला मकाओ, यहाँ पे है सिल्वर फिजेंट। सो वो रही सामने गाइस, ये देखो ये रही एक और, ये सिल्वर नहीं है, ये है ब्राउन। भूरा तीतर, काला तीतर, ये रहा भूरा तीतर, और ये रहे भाई साहब काला तीतर। जो पक्षी हैं वो बहुत कम है यहाँ पे। ये है लाल वन कुक्कुट। सो इतना जाल के अंदर है कि क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ है गाइस सफ़ेद मोर, वो बैठा हुआ है ऊपर की साइड में, और ये है अपना देसी मोर। तो गाइज ये कौन सा हिरण है अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे। सो यहाँ देखते हैं गाइज कौन से पक्षी हैं। वैसे यहाँ पे तो काफी सही है, मिरर लगा रखा है तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो अंदर क्या है। इसमें है घुघू, ये है काली चील जो कि ऊपर बैठी हुई है, एक उधर बैठी हुई है, एक वो बैठी हुई है, और एक ये बैठी है, और किस हिसाब से घूर के देख रही है देखो जरा इसे। ये है ब्रह्माणी चील। भाई साहब खुले में घूम रहे हैं, हैं क्या हो गया? अब देख रहे हैं चल के दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, गणेश और शेर इधर की साइड में। तो गाइस अब चल रहे हैं हम लोग शेर देखने के लिए। टाइम हो रहा है 5:05 बज चुके हैं और बता रहे हैं कि काफ़ी सारे जानवर हैं जो बंद कर दिए गए हैं, अंदर कर दिए गए हैं, टाइम हो गया है उनका। तो चल के देखते हैं गाइस कि हमें शेर मिलता है या नहीं मिलता है। क्या लग रहा है भाई, शेर मिलेगा? है तो सही, बैठा हुआ है, वो रहा सामने, पास जाके देखना पड़ेगा। सो गाइस ये रहा सामने बैठा हुआ है शेर, ये देखो। सो गाइस जब इसको बंद करने का टाइम हो गया है, उधर से इधर भगा दिया गया, ये रहा शेर। पहली बार मुझे इस चिड़ियाघर में शेर देखने को मिला है, थोड़ी सी इसकी हालत खराब है, बाल बाल झड़ गए हैं इसके। गाइस ये है एशियाई शेर, जिसे एशियाटिक लॉयन बोलते हैं, जो कि बैक साइड में आप देख सकते हो, ये रहा सामने। और फिलहाल में अभी इसका बंद होने का टाइम है तो ये अंदर जा रहा है। एशियाई सिंह को देखने के बाद गाइज अब हम लोग चल रहे हैं टाइगर देखने के लिए। तो देखते हैं चल के कौन कौन से टाइगर हैं यहाँ पर। ये है इसका मैप एंड यहाँ लिखा हुआ है भारतीय हाथी, घड़ियाल, बाघ, जैगुआर, भेड़िया एंड शुतुरमुर्ग। बट इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे गाइज। टाइगर देखने जा रहा था गाइज, बट पहले हाथी मिल गया तो मैंने सोचा क्यों ना पहले हाथी देख लिया जाए। यह है गाइज हाथी जो अभी फिलहाल यहाँ पे एक ही है, वैसे तो यहाँ पे 4 हाथी होते हैं और आप देख सकते हो गाइज अभी यहाँ पे एक ही हाथी है। हाथी देखने के बाद अब चल रहे हैं हम लोग टाइगर देखने के लिए। तो गाइज यहाँ पे है ढोल, अभी तक बजाने वाला सुना था, ऐसा कोई जानवर होता ये पता भी नहीं था, बट दिखाई नहीं दे रहा ढोल कहाँ पे है, लग रहा है बंद कर दिया, टाइम ज़्यादा हो गया ना इसलिए शायद बंद कर दिया उसे। ढोल तो मिला नहीं देखने के लिए, आगे चल रहे हैं देखते हैं क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। काफ़ी सारे जानवर हैं जो कि बंद कर दिए हैं क्योंकि मैं लेट आया हूं आज। यहां पे है सफ़ेद शेर जिसको शायद अभी बंद कर दिया गया है, वाइट टाइगर है क्या? या बट जाने का रास्ता बंद कर रखा है तो पता नहीं अंदर होगा या नहीं होगा, इस तरीके का है अंदर वाइट टाइगर, रास्ता बंद कर दिया है इन लोगों ने। सो गाइस जैगुआर देखते हैं चल के, बट वो जाल के अंदर होगा इस वाले जाल में। यहाँ पे है जैगुआर, यहाँ से देखता हूँ शायद उसे भी अंदर कर दिया है। जैगवार भी नहीं मिला गाइज देखने के लिए, काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं। सो गाइज ये है लोमड़ी, पहले की तरह देखो ये फिर भाग रही है। तो 2 लोमड़ी हैं यहाँ पे, एक तो नीचे ही चली गई है, कहाँ जा रही है, ये भी जा रही है शायद, देखो ये जा रही है, ये जा रही दोनों की दोनों। लोमड़ी देखने के बाद आप देखते हैं चल के मगरमच्छ। ये है गाइज मगरमच्छ जो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि बस निकल लिए हैं अभी अभी। ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा। सो यहाँ देखिए घड़ियाल का बोर्ड लगा हुआ है, बट इसमें घड़ियाल है या नहीं इसका कोई पता नहीं है, तो शायद इसमें घड़ियाल नहीं है गाइज, खाली पड़ा हुआ है ये, और इसी वजह से यहाँ पे कोई अभी आया भी नहीं है। इधर है गाइज शाही,
ताड़ बिलाव, जंगली बिल्ली, हनुमान लंगूर, तेंदुआ, भारतीय स्टार कछुआ। तो आइए देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को देखने के लिए। कुछ कहना चाहोगे? रहने दो। ताड़ बिलाऊ, तो यहाँ पे होता है तेंदुआ, है भी है, बंद हो चुका है। अंकल तेंदुआ था इसमें यार, बंद कर दिया उसे। सफ़ेद बाग, तो काम चल रहा है जिसको भी बंद कर दिया अंदर। ये देखो फिलहाल यहाँ बाग की जगह आदमी घूम रहे हैं जो घास काट रहे हैं। तो इधर है गाइस सांप घर, जो कि सफ़ेद वाले बाग है वहीं पे है, और उसको भी बंद कर दिया गया है अभी। अरे गार्ड साहब सबको भगा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम हो चुका है क्लोज होने का। वैसे तो 6 बजे तक बोला था, बट अभी 5:30 बजे हैं, और 5:30 बजे गाइस ये लोग सबको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फोटो वोटो शूट हो रहा है, सभी के सभी गार्ड्स देखो आ चुके हैं चिड़ियाघर से बाहर। लास्ट में जाते हुए गाइस ये है शुतुरमुर्ग, जो कि अभी तक खुले हुए हैं, इन्हें बंद नहीं किया है। सो गाइस फाइनली मैं जा रहा हूँ अभी चिड़ियाघर के बाहर, और कुछ लोगों से पूछते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं चिड़ियाघर का कैसा रहा। हेलो भैया, भाई चिड़ियाघर घूम के आए हो, तो कैसा लगा आपको चिड़ियाघर का एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो थोड़ा सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जानवर तो हैं कुछ है भी नहीं, और जो भी है उनको बंद कर दिया है। माना बेकार ही है, मतलब आना बेकार है, आधे जानवर तो है नहीं, और आधे जानवर जो थे उनको बंद कर दिया गया। ओके तो भाई कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? एकदम बढ़िया भाई, रेट टिकट तो मैंने महंगी कटी, लेकिन मजा इतना आ गया कुछ जमत है। ऐसा क्या देख लिया? ऐसा भाई हाथी तो देखे को नहीं, लेकिन शेर भी ना देखियो। हाथी नहीं देखा तो मजा किस बात में आया? मजा बस मैं बता नहीं सकता यार, समझने वाले समझ गए, बाकी आप देखो। चलिए थैंक यू सो मच यार। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है गाइज, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है गाइज अगर हमारे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।